जो भी नींदे खोई थी हमने, वादा किया था जो मिलकर, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तूने याद। देखो भाई मुझे ज्यादा गाना तो नहीं आता है, जो भी नींदे खोई थी हमने, उस गाने में जो भी कसमें खाई थी हमने। तो इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि आपको याद होगा 11 अगस्त 2018 को आपकी क्लास हुई थी भिन्न पर आधारित, जिसको इस समय तक लगभग 1 मिलियन लोगों ने PVR स्टडी पर देख लिया है। आप भी सर्च कर लीजिएगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपको सबसे टॉप पे वीडियो मिल जाएगा। तो जो भी नींदें खोई थी हमने, वादा किया था जो मिलकर, इस गाने को याद आया इस क्वेश्चन को देखकर। आइए चलिए देखते हैं निगेटिव फ्रैक्शन को कैसे हल करते हैं। उस वीडियो में इतना ही अंतर था, उस क्लास में, वो भी लाइव क्लास हुई थी रात्रि के 2 बजे, और आज ये हो रही है 2:45 पर। तो उसमें यही अंतर था कि उसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस लगे हैं जगह जगह। उसमें ज्यादा बातचीत हुई थी, इसमें बातचीत नहीं होने वाली है, बस केवल काम की बात। यहाँ निगेटिव लगा है, यहाँ पर पॉजिटिव है। एक बात याद रखिएगा, अगर हमने लिखा माइनस एक तो ये माइनस है, अगर हमने लिखा एक तो ये प्लस है। अब आप कहोगे यहाँ प्लस कहाँ लगाया, वो फिर क्यों बोल रहे हो प्लस है, प्लस छिपा रहता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई चोर है तो लोग उसको चोर बोलते नहीं है, उसको देख के लोग समझते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। तो क्या करते हैं, ये प्लस लगा दोगे तो कोई बुराई नहीं है। तो ये प्लस है, ये माइनस। अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है तो वो प्लस माना जाता है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। बस आगे देखिए, अब जो सिंपल रूल होता है भिन्न को ऐड करने का, हर हर अगर बराबर होता है तो अंश अंश को जोड़ लिया जाता है। अंश अंश में क्या होता है, रिएक्शन होता है या फिर एक्शन होता है, जो भी समझे। तो ये -5 और ये +1 और बड़ी सी लाइन, ये हो जाएगा 7। माइनस प्लस घट जाएगा, -4/7 आ जाएगा आपका उत्तर। बात समझ में आई ना। अब आप कहोगे ये हर अंश का क्या लफड़ा है, हर अंश का ये लफड़ा होता है, जैसे आपने लिखा 3/7, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर नीचे का पार्ट इक्वल है तो ऊपर के पार्ट्स को, यानी जो भी होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं बिना किसी झंझट के, नहीं तो थोड़ा सा बुझाना पड़ता है। तो देखिए इसमें बुझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है, एक में 3 है दूसरे में है 2। तो देखिए करना क्या होता है, उसको भी देख लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात है। छोटा भिन्न होता है तो आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो, बड़ा होता है तो आपको तिरछा गुणा करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तिरछा गुणा मीन्स क्रॉस मल्टीपल। तो 2 का 1 में गुणा करोगे तो 1 हो जाए, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस के साथ है तो माइनस लगा रहेगा। 3 का इधर गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 का 2 में करोगे तो 6 हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या होंगे भाई, कहते हैं ना लोहा से लोहा टकराएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लोहा से लकड़ी टकराएगी तो लकड़ी कट जाएगी, लोहा बचा रह जाएगा। तो ये लोहा से लकड़ी टकरा रहा है तो एक कटेगा एक बचेगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा एक आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना, निगेटिव फ्रैक्शन ऋणात्मक भिन्नों की ये क्वेश्चन है, जिसमें आपने देख लिया जोड़ना बिल्कुल सिंपल वे में। हमने आपको कई बार बताया आप बहुत खूबसूरत मकान बना लीजिए, अगर उसकी नींव को आपने मजबूत नहीं किया तो ये गड़बड़ है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये किसी स्पेशल क्लास का टाइम नहीं था, ये तो आपके शेड्यूल के अनुसार, कहीं DLN का टाइम था, कहीं 0 लेवल मैथ का टाइम था, कहीं ये ट्रिकी मैथ सीटेट RRB मैथ का टाइम था, तो ये सब क्यों होने लगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13 जून से आपकी क्लास फिर से अपने लाइन पर आ जाएगी, ट्रैक पर 13 जून से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सभी लोगों के दिल में ये क्वेश्चन रहते हैं और वो लोग करने में थोड़ा सा शर्माते हैं। तो भाई शर्म जो करे शर्म उसके पोटे करम, सुना है ना? इसको कैसे करेंगे, जोड़ना आपने देख लिया, घटाना भी आपको दिखा देंगे, लेकिन पहले गुणा। वही रूल लगाओगे जो आप तक लगाते आए हो, -5 का 1 में मल्टीपल करोगे तो -5 का 1 में करोगे तो -5, -5 का 1 में कर लिया -5, 2 का 3 में कर लो 6। ये हो गया आंसर, छाप लो जल्दी जल्दी से और देखते रहिए, छोड़ के मत जाइएगा बीच में, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, गाते रहिएगा और छोड़िएगा मत क्लास बीच में। देखिए अगला 1/3 और ये -3/5, यहां पर आप देख रहे होंगे माइनस यहां से हटके इधर लफड़ा हो गया, इधर नहीं लगा, इसमें तो इधर लगा था, तो इधर उधर से कोई मतलब नहीं, मल्टीपल कर लो 3 का 1 में तो -3, 3 का 5 में हो गया 15,
इसको आप आसानी से कर सकते थे, 3-3 यहाँ से उड़ा सकते थे, माइनस आ जाता, और इस तरह से आप -1/5 बोल सकते थे, क्योंकि यहाँ भी आप काटोगे तो -1/5 ही आएगा। और कुछ लोगों के दिल में ये बात उठ रही होगी कि कौन सा सही होगा जी, दो तरह बता रहे हो तो ये सही होगा कि ये, तो सबसे आसान तो यही होगा कि आप इसको यहीं पर ऊपर ही काट लीजिए। और हाँ, कटने को ये सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप अपने ही हिस्से में हिस्सा पाओगे, पड़ोसी के घर में नहीं। तो आप ऊपर जो भी नीचे का हर है, मतलब आप हर से अंश में कोई भी अंश काट सकते हो, इसका भी अंश, इसका भी अंश, इस हर से इस दोनों अंश को काट सकते हो। ये नहीं, ऐसा मत करना कि अपने ही घर में चोरी करने लगो, इस अंश हर से इस हर को काट दो, ऐसा नहीं होगा। एक ऊपर का होना चाहिए, एक नीचे का, चाहे तिरछा हो चाहे सीधा हो, आप एक काट सकते हो। कुछ लोगों को ये कम समझ में आया होगा, ये बात कम जमी होगी, तो मैं उनको फिर से एक बार दिखा दूं। क्या लिखा था जी, 1/3 और ये -3/5, ये 3 से 3 काटा था, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 -1, इस तरह से -1/5। छाप लिया जल्दी से, तुरंत करें, हो गया। देखिए आपकी क्लास जो है ये छोटी चल रही है, बट ये बहुत ही खोटी है, गागर में सागर होगी, पूरा देखिएगा, भागिएगा मत छोड़ के। और जो लोग क्लास को लाइक करके जाएंगे, फिर उनके लिए बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है, मतलब जो लोग नहीं लाइक करके जाएंगे जी। देखिए ये है अगला सवाल, इसी में थोड़ा सा है, 7/2 और ये माइनस लगा दो 3/2, कितना सिंपल। नीचे बराबर है तो बराबर है, तो नॉन झंझट लिख लो चुप्पे से, ये -7 -3, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -10/2 हो जाएगा, काट दोगे अगर कट रहा है तो -5 आ जाएगा, और चुपके से इसको आप आंसर बना दोगे। ये निगेटिव फ्रैक्शन था जी, आपने घटा लिया, गुणा भी कर लिया, जोड़ भी लिया, लेकिन कौन रोका है कि आप भाग मत करो, तो एक बार भगा के भी देख लेते हैं। ये लो भगा भी दिया। आप जानते हैं भाग का नियम होता है कि पहला फ्रैक्शन उतार करके गुणा का चिन्ह लगता है, दूसरा फ्रैक्शन पलटी मार जाता है, और ये पलटी मार गया। यहाँ पर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, काट दो जो कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस तरह से आप ऊपर ऊपर का गुणा करोगे, 5 दूना 10 और ये 8। अभी मैं इसको यहाँ काट सकता था 2 से 8, लेकिन वहां ज्यादा लफड़ा हो जाता, कट पिट जाता, तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने वहां नहीं काटा, तो यहाँ काट दो। 4 5 2 5 10, 2 4 8, माइनस ना बोलना, -5/4 आ गया। इस तरह से आपने भाग भी देख लिया, जोड़ भी देख लिया, गुणा और घटाना भी देख लिया। मात्र 8 मिनट के वीडियो में आपने 4 मैटर समझ लिए, और वो भी बहुत अच्छे से। तो छाप लिए होंगे, हमारी यही उम्मीद है आपकी कि आप छापने में बहुत तेज हैं। और हाँ, आप फेसबुक जरूर यूज करते होंगे, मार्क जुकरबर्ग की अपनी निजी संपत्ति है, तो आप लोग PVR स्टडी अवश्य सर्च करें फेसबुक पर, और फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लें, जिससे आप इस क्लास को फेसबुक पर पहले देख पाओ, क्योंकि जो क्लास रिकॉर्डेड होती हैं वो पहले फेसबुक पर पब्लिश होती हैं, उसके कई दिनों बाद यूट्यूब पर दिखती हैं। तो पहले पाओ, पहले आओ, और PVR स्टडी को आगे बढ़ाओ। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार दुबंसी फिर से आपकी एक नई उम्मीद और एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शेयर करके जाइएगा, कहना ना पड़े, याद दिलाना होता है बस।